आज की जर्नी चालू हो गई है पेट्रोल भर के। हम नासिक से त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा रहे हैं, तो आज वहाँ का जो पूरा ब्लॉग है वहीं पर रहेगा। मंदिर और वहाँ पे जो 2000 जगह है उनके बारे में मैं आज बताऊँगा। तो पिछला वाला ब्लॉग आउट हुआ है सुबह 10 बजे, तो वो जाके ज़रूर देखना। और चलो आज की जर्नी देखते हैं कैसे होती है, तो चैनल पे बने रहना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त योगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वाले ब्लॉग में। तो जर्नी अच्छी चालू है, थोड़ा सा अभी कल ज़्यादा वॉकिंग हो गया मेरा, लगभग एक 10 किलोमीटर मेरा वॉकिंग ही हो गया कल के। इसमें थोड़ा सा पेन वगैरह कर रहा है, और प्लस उसमें जूता जो है मेरे को थोड़ा सा काट रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको अगर टाइम मिला तो। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो ये सामने जो दिख रहा है, अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि इसे अंजनेरी पर्वत बोलते हैं, और यहीं पे जो अपने बजरंगबली उनका जन्म हुआ था। ये देखो यहाँ से वॉक करते हुए जा सकते हो आप। अभी हम पहुंच गए हैं। ओके, तो द्रोणागिरी पर्वत पे शिवजी ने जटाएं पटकी दी, तो वहाँ से ये नदी का जो उगम चालू है, तो वहाँ से पानी जो जमीन से अंदर से जाता है वो सीधा इसी कुंड में निकलता है। तो कुछ ऐसा महत्व है इस जगह का। तो दर्शन करने के लिए आ गए हम अभी। यहाँ पे भीड़ देख के लग रहा है कि बहुत टाइम जाने वाले दर्शन के लिए, लेकिन अभी पहचान वाले हैं यहाँ पे, तो उनको फ़ोन करके देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। इसलिए ऐसे जब छुट्टियाँ वगैरह रहती ना तब नहीं आना चाहिए, बहुत भीड़ रहती है। कौन से भी जगह पे जाओ आप, संडे सैटरडे से संडे बहुत भीड़ रहती है। तो मंदिर अभी आधे घंटे के लिए बंद किया है नैवेद्य भगवान को देने के लिए। तो हम लोगों ने क्या सोचा है कि अभी ब्रह्मगिरी पर्वत जो है उस पर जाके आएंगे, जहाँ पे शिव जी ने जटाए जो है वो किया था, तो वो लोकेशन देख के आएंगे। इसके लिए अभी हम यहाँ से अभी ट्रैकिंग चालू होगा, लगभग कुछ एक 2-3 घंटे का रोड है जिसमें दोनों हो जाएगा, वो उगम जो है वो भी, और जहाँ पे जटाएं पटकी है वो दोनों 3 घंटे में हो जाएगी। तो वो करके आएंगे, फिर दर्शन लेके एक और जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ पे जाएंगे। तो जो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, तो इस पे जो महादेव जी उन्होंने जो उनकी जटाएं पटकी थी, तो उसकी स्टोरी मैं ढूँढ रहा था ताकि आपके साथ वो शेयर करूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे YouTube के वीडियोस भी देखे, Facebook पे भी एक दो जगह पे मुझे दिखा, पर एग्जैक्टली जो स्टोरी है वो मुझे तो नहीं मिली। तो आप जो देख रहे हो उनमें से किसी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो वो पढ़ के सबको पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे टिकट लेते पर पर्सन 30 रुपीज़, तो पर पर्सन 30 रुपीज़ लेते, क्यों लेते पता नहीं, अभी सिर्फ लेते इतने बोलते। सिर्फ 1 किलोमीटर चलाओ और पूरा पसीना पसीना हो गया। तो अभी नॉर्मल रोड चालू हो गए, इसकी वजह से तो इतना थकावन नहीं दिख रहा है। जब चढ़ान था तब थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाता है उसके साथ, लेकिन ठीक है अभी नॉर्मल हो गया हूँ, थोड़ा सा चल चल के। तो चलो ऐसे ट्रैक करने से मुझे थोड़ा सा जब
केदारनाथ का ट्रैक करूँगा, तब मुझे थोड़ा सा हेल्प करेगा ये चीज़। अभी एक चीज़ दिखी मुझे, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए जो ये चीज़ें वो लोग करते हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, बहुत ही पुराना ये दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रहा है, लेकिन देखो कैसा लिखा है। देखो अभी सालो, अभी क्या बोले यार, नाम लिखने के लिए बेशरम लोग। तो यहाँ से अभी मेन ट्रैक चालू हो गया। तो यहाँ से अभी चढ़ते हुए आया, तो एक जगह दिखाया दिख रहा है मेरे को, तो आपको दिखाता हूँ क्या है। तो अंदर ही एक जगह बना है गुफा के जैसा, और पहाड़ के बीच में बना है इसको तराश के। तो अभी रुका था, नज़ारे का मज़ा लेते हुए बैठा था, बहुत सुकून से एकदम, साथ में नींबू शरबत भी लिया है। सुकून मिलता है ऐसे जगह पे, जब ट्रैकिंग के बाद एक पॉइंट रहता है जहाँ पे पूरा टॉप पे आके आप जब नज़ारा देखते हो, एक अलग ही सुकून मिलता है। कितने लोग इससे सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो यहाँ से चढ़ते हुए आए हम ट्रैकिंग। जय जय शिवा, जय शिवाजी, महादेव महादेव। तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो यहाँ से चढ़ते हुए आए, ये पूरा टॉप है ब्रह्मगिरी पर्वत का। अभी और थोड़ी जगह है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ से अभी जो लोकेशन मैं बोल रहा था, जगह बोल रहा था, वो जगह पे जाने के लिए रोड है। उससे पहले यहाँ से व्यू देख लो, व्यू का ही मज़ा है पूरा। तो वहाँ पे जो सामने दिख रहा है आपको, ये वाला, और यहाँ पे एक है, तो ये दोनों जगह पे जाने वाले हम। बारिश में भीगते हुए और पसीने से लथपथ फाइनली हम पहुंच गए ब्रह्मगिरी मंदिर मुख्य दर्शन है उसके एकदम पास पहुंच गए अभी। यही वो जगह है जहाँ पे हुआ था उगम। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पानी जो मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, उस कुंड में पहुँचते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे सारे फ़ोटोज़ खींचे हमने, तो मेरे जो वो फ़ोटोज़ है वो आपको दिखेंगे कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। तो ये सामने जो आ रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ जाके मुझे फॉलो ज़रूर करना, बंदर है। व्यू कुछ भी बोले तेरे तो बहुत ख़तरनाक व्यू है। तो मैंने कहा था ना कि ये मुझे शूज़ काट रहा है, ये देखो ये यहाँ पे जगह है, एक यहाँ पे जगह है, एक यहाँ पे जगह है। नया शूज़ होने के कारण बहुत ऐसा ये हो रहा है, और साथ में अभी निकालने के बाद पानी की वजह से जलन हो रहा है। तो यहाँ पे जो मंदिर है उसका भी हम दर्शन करने जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ से एंट्रेंस है ये, अंदर से कुछ इस तरह से।
एयर बहुत अच्छा है यार यहाँ का, एकदम प्योर। तो ये वही जगह है जिसे जटा मंदिर कहते हैं। तो इसमें आपको महादेव जी है, उन्होंने जटापट की थी, अभी उसको जटा खोलना भी बोल सकते हो आप। तो वो यहाँ पे किए थे जो अभी सामने आपको दिखाता हूँ। ये जो पंडित जी बैठे उनके पास देखो अभी वो हाथ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो निशान बने वो सब जटाओं के, और ये साइड को लेफ्ट साइड को दो गड्ढे जो बताया जाता है कि महादेव जी के घुटनों के निशान है। तो ये वाले जो देख रहे हो अभी ये साइड में, तो ये महादेव जी के घुटनों के निशान बताए जाते हैं। तो दोनों प्लेस हो गई है, अभी ट्रैक उतरना चालू हो गया है। अभी यहाँ से सीधा गंगा द्वारे वहाँ पे जाएंगे। थे बारिश की वजह से आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ से उतरेंगे सीधा, वो चढ़ने वाला जगह मैं दिखाता हूँ अभी सीधा, जहाँ पे चढ़ते वक्त वीडियो निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, उतरते वक्त दिखाता हूँ मैं। मैंने कहा था ना एक स्टीप चढ़ा है, अभी उतरते वक्त मैं दिखाता हूँ। तो ये वही है देखो, यहाँ से आए हम आते वक्त। तो सोचो ऐसा आना पड़ेगा, अभी बहुत है, ये तो सिर्फ उतरते वक्त स्टार्टिंग है। तो जाते वक्त ये गुफा दिखा नहीं पाया मैं, तो अभी देख लो। इस तरह से पता नहीं अभी किसका है, कुछ तो है ये। देखो अभी और उतरना बाकी है। अभी ट्रैक उतर के हो गया, अभी जा रहे हैं हम इसी पहाड़ पे के एक आज और एक प्लेस है वो देखने के लिए जा रहे हैं अभी, गंगा द्वार बोल के। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर है वो दूर, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का भी आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या है। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अभी। तो ये वो जगह, अभी मैं पैर पड़ता हूँ। यहाँ पे एक और गणपति का मंदिर है नीचे, उसको दर्शन लेके निकालना चालू करता हूँ। फाइनली ट्रैक ख़त्म हो गया, पूरा उतर के भी हो गया। अभी सिर्फ त्रिंबकेश्वर मंदिर है, शिवजी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे अभी दर्शन लेना है। वहाँ से लेके अभी देखते हैं, चांस मिला तो पूरा अंदर जाके दर्शन लेंगे, नहीं तो बाहर से ही दर्शन लेके चले जाएंगे। और एक जगह है, अगर चांस मिला तो दिखाऊंगा, नहीं तो आज का वीडियो इधर तक ही रहेगा। तो दर्शन के लिए तो अंदर जाने को चांस नहीं मिल रहा है अभी, तो मैं भी बाहर से दर्शन ले रहा हूँ। आप भी यही बाहर से दर्शन ले लीजिए, क्योंकि टिकट लाइन को भी टिकट है, अगर इस लाइन से जाते हैं तो इस लाइन के लिए भी कम से कम अभी 1.5-2 घंटे का और वेटिंग है।
तो उसने में पूरा रात हो जाएगा। अभी ज़्यादा ही हमारे को लेट हो गया ऊपर से आते आते, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर से दर्शन लेके। तो आज के दिन का सबसे लास्ट स्टॉप ये होने वाला है स्वामी समर्थ गुरुपीठ है। यहाँ का एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ वहाँ जाने के बाद कि क्या है यहाँ पे, क्या हुआ है। ये वही मंदिर है जहाँ पे एक मराठी मूवी का शूटिंग हुआ था देवळबंद बोल के, जो स्वामी समर्थ महाराज है उन पर बनाई गई थी। तो आओ दर्शन लो आप भी। यहाँ पे इसके अंदर हुआ है जो लास्ट में एक कोड रहता है और डी कोड करने का यही पे स्वामी ने जो लीड एक्टर रहता है उसको बताया था। वो फिल्म जाके ज़रूर देखना। तो मैं यहाँ पे जब आया था तो आरती जस्ट चालू हो गए थे, तो आरती के बाद यहाँ पे खाने को भी रहता है एक प्रसाद बोल के। तो इस तरह से देखो, तो यहाँ से उनसे लेंगे तो ये प्रसाद में आप जितना चाहे उतना खा सकते हो पेट भर के। तो इस वीडियो को रखते ही जाते कि तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आगे के जो वीडियोज़ है वो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग।